जरा सोचो, कुछ दोस्त अपनी गैराज में एक एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से टाइम मशीन ही बना डाले। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है चार इंजीनियर से जो एक साइड प्रोजेक्ट तैयार करने की बात कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट में वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जिस पर धरती की ग्रेविटी का कोई असर ही ना पड़े। पर वो सभी अलग अलग नौकरियां भी करते थे जिस वजह से वो अपना पूरा समय इसमें नहीं लगा सकते थे। घंटों इस चीज पर बहस करने के बाद आखिर में एब और एरन ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बचे। एब बहुत ही समझदार और हमेशा कंट्रोल में रहने वाला इंसान था, जबकि एरन धुआंधार बिना सोचे समझे काम करता। दोनों ने पूरा प्लान बनाया और काफी मुश्किलों के बावजूद प्रोजेक्ट बनाना शुरू भी कर दिया। उन्होंने एरन के गैराज को ही अपनी लैब बना लिया और पैसों की कमी के चलते वो अपने आसपास की मशीनों से ही पार्ट्स निकाल लिया करते। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो चार्ज पार्टिकल्स को बहुत तेजी से दौड़ा सकता है। अब उन्हें इसे चलाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत थी जो उन्होंने एब की गाड़ी के इंजन से निकाल ली। हफ्तों काम करने के बाद उनके पास एक ऐसा डिवाइस तैयार था जिससे वो अपना टेस्ट कर सकते थे। अपने टेस्ट के लिए उन्होंने एक एग डॉल को अपनी मशीन में रखा और सप्लाई को कंट्रोल करते हुए मशीन ऑन कर दी। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पावर को बढ़ाया तो मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनका टेस्ट गया डब्बे में। जांच करने पर उन्हें पता चला कि उनकी बैटरीज फूक गई थी। अगले दिन एरन एक सरप्राइज दिखाने के लिए एब को उसके घर से अपनी गाड़ी में बैठाकर गैराज पहुंचा। अंदर जाकर उसने बताया कि उसे मशीन को स्टेबलाइज करना आ गया था। उसने मशीन में अब एक रेगुलेटर लगा दिया था जिससे वो पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, और एक पॉइंट आते ही मशीन खुद को चलाने जितनी पावर बना लेती थी, इसलिए अब बैटरीज की जरूरत ही नहीं है। उसने साइंस का एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था। इसके बाद दोनों ने इस बारे में काफी बात करने के बाद इसे फिलहाल के लिए तो राज बनाकर रखने का फैसला किया। एब की गर्लफ्रेंड के पिता ग्रांटर ही अब उसके लिए पैसों की आखिरी उम्मीद थे और एब ने उन्हें अपने डिवाइस के बारे में समझाने की जिम्मेदारी भी ली। पर कुछ हफ्ते बीतने के बाद उन दोनों को यह एहसास हो गया कि वो पूरी तरह कर्जे में डूब चुके हैं। एक दिन एब बेंच पर बैठे एरन के पास पहुंचा जो उस वक्त एक किताब में कुछ लिख रहा था और उसके कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे। एरन ने एब से पूछा कि वो ठीक तो है, क्योंकि वो सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाई थी। एब ने उसकी बात को काट कर उन दोनों की दोस्ती के बारे में याद दिलाया और कहने लगा कि देख भाई एरन, तू एक दिन के लिए वो कर ले जो मैं कहता हूँ, और इसके बदले में मैं तुझे इंसानों के सबसे बड़े आविष्कार के बारे में बताऊंगा। एब ने एरन को गैराज ले जाकर वो एग डॉल दिखाई जो उन्होंने अपने टेस्ट में इस्तेमाल की थी, और अब उसके आसपास बहुत सारा प्रोटीन इकट्ठा हो रखा था। इसके बाद वो दोनों एक बायोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और उससे प्रोटीन बिल्डअप की रफ्तार बढ़ाने के मेथड के बारे में पूछा। बायोलॉजिस्ट ने उन्हें एक तरीके के बारे में बताया जिससे एक महीने बाद जाकर थोड़ा फर्क पड़ना शुरू होता था। इसके बाद एब ने एरन को बताया कि जितना प्रोटीन बिल्डअप एग डॉल ने उनकी मशीन में 5 दिन में किया था, उतना करने में आमतौर पर तो 6 साल लगते हैं। एरन को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए एब उसे लेकर गैराज पहुंचा और उसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाना शुरू किया। उसने अपनी घड़ी को मशीन में रखा और जब ठीक 6 मिनट बाद उसे निकाला तो वो 1347 मिनट आगे जा चुकी थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक डिजिटल घड़ी के साथ भी किया और रिजल्ट एकदम सेम था। अब एब ने साइंटिफिक तरीके से एरन को पूरी बात समझाई, जिसका मतलब था कि उन्होंने अनजाने में एक टाइम मशीन बना ली है। दोनों अपनी कामयाबी से बहुत खुश थे और एब अपने आविष्कार के लिए कॉपीराइट लेना चाहता था, पर एरन का दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका प्लान था इस मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का। वो आज के समय के सबसे बड़े स्टॉक्स की जानकारी से अतीत में जाकर उनमें पैसा लगाना चाहता था ताकि वो बहुत ही अमीर हो जाए। एब को भी आइडिया शुरुआत में काफी पसंद आया, पर उन्हें इसके लिए एक बड़ी मशीन की जरूरत थी, इसलिए अब दोनों मशीन को बनाने में जुट गए। उन्होंने पहले अपनी लैब को एक बड़ी जगह में शिफ्ट किया और सारी तैयारी करने के बाद उन्होंने पहली बार कोशिश की। उनकी कोशिश कामयाब भी रही और वो समय में 6 घंटे पीछे पहुंच गए। वो दोनों अपने आविष्कार पर बहुत हैरान थे। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े प्लान की तैयारी की। उस दिन उन्होंने 2 गाड़ियां अपनी लैब के बाहर खड़ी की ताकि वो एक गाड़ी को अतीत में जाकर इस्तेमाल कर सकें और दूसरी गाड़ी को वापस आकर। वो प्लान के मुताबिक 6 घंटे पीछे गए। अतीत में जाकर उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि वो किसी के
संपर्क में ना आ जाएं, क्योंकि उधर असल जिंदगी में वो दोनों अपना नॉर्मल रूटीन ही फॉलो कर रहे थे। सही समय पर उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स एक बड़े मार्जिन से खरीदे, जिससे उन्हें बहुत सारा फायदा होने वाला था और वो दोनों इसमें कामयाब भी रहे। इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक ऐसा ही किया। वो अपने फ्यूचर की जानकारी से स्टॉक्स खरीद कर ढेर सारा पैसा कमाने लगे, पर इस सब के बाद उनके शरीर पर टाइम ट्रैवल का असर दिखने लग गया था। उन्हें अक्सर लिखने में काफी परेशानी होती और कई बार तो उनके कान से खून भी निकलने लगता था। वो लोग अपने इस आविष्कार के साथ मिली ताकत को संभाल नहीं पा रहे थे और एक दिन उन दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी बहस हुई कि क्या वो लोग सही कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के फैसलों पर कई सवाल उठाए। उन्होंने एक दूसरे को काफी बुरी बातें बोल दी थी और किसी के बोले शब्द तो वापस नहीं आया करते। इसी वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। उन दोनों का शक एक दूसरे को लेकर बढ़ता गया कि कहीं दोनों में से कोई सीक्रेट को दुनिया को न बता दे। उनकी लड़ाई उस दिन बढ़ गई जब एब ने एरन को बिना बताए एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिसमें उसे घाटा होने वाला था। एब का कहना था कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को उन पर शक ना हो, पर एरन पैसों के लालच में इतना डूब चुका था कि उसे एब की ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और वो उसकी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसी रात रोड पर उन्हें मिस्टर ग्रैंगर दिखे, जिनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, लेकिन एरन दिन में ही उन्हें मिला था और उस समय तो वो क्लीन शेव थे। एरन को शक था कि शायद मिस्टर ग्रैंगर उनकी मशीन की मदद से भविष्य से अतीत में आए होंगे। बहुत सारी चीजों की संभावनाएं थी, पर उन्हें ये पता था कि वो नेचर के टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस सब को बदलने के लिए एब स्टोरेज रूम पहुंचा। उसने 2-3 स्टोरेज रूम और बनाए हुए थे जहां उसने मशीन को छुपा कर रखा था। इनमें से एक मशीन का नाम उसने फेल सेफ रखा हुआ था। वो टाइम ट्रैवल करके मशीन के आविष्कार से 4 दिन पहले अतीत में पहुंच गया और पास्ट में उसने खुद को बेहोश कर दिया ताकि वो पहली बार एक्सपेरिमेंट ही ना कर पाए। इसके बाद एब एरन से मिलने पहुंचा और इस बार उसका प्लान था इस पूरे आविष्कार को रोकने का, पर तब तक एरन भी अतीत में पीछे आ चुका था और वो पूरी कोशिश कर रहा था एब को आविष्कार खराब करने से रोकने की। वो बेंच पर बैठकर ईयरफोन्स पर उन दोनों की पुरानी बातें सुन रहा था। एब पास्ट वाले एरन को टाइम ट्रैवल का एक्सपेरिमेंट रोकने को बोलना चाहता था, लेकिन भविष्य से आए अपने साथी को सामने देखकर वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एब के होश में आने पर दोनों ने थोड़ी देर के लिए आपस में समझौता कर लिया, क्योंकि उन्हें अब साथ में मिलकर एब की गर्लफ्रेंड को बचाना था जो एक पार्टी में थी जहां एक आदमी बंदूक लेकर लगभग उसे मारने ही वाला था, और उसे बचाने के लिए उनका एक साथ एक बार फिर से अतीत में जाना जरूरी था। वो पहली बार में तो उसे बचा नहीं पाए, लेकिन कई बार लगातार कोशिश करने के बाद एरन ने एब की गर्लफ्रेंड को बचा ही लिया, जिसके बाद एरन शहर का लोकल हीरो बन चुका था। काम खत्म होने पर एरन ने फैसला किया कि अब वो किसी और देश में जाकर रहेगा जहां वो टाइम ट्रैवल की मदद से ज्यादा फायदा उठा सके और खुद को अमीर बना सके। पर एब का मकसद अभी भी उसी शहर में रहकर उनके आविष्कार को पहले दिन पर ही रोकने का था, जिस वजह से दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। उस दिन के बाद एब अक्सर भविष्य से आकर वर्तमान में खुद पर नजर रखता था ताकि वो खुद को भविष्य के बारे में कुछ भी पता लगाने से रोक सके, और वहीं फ्यूचर से आया एरन वर्तमान में खुद को फ्यूचर में होने वाली सारी बातों के बारे में पहले ही बता देता। दो वैज्ञानिक दोस्तों ने एक ऐसा आविष्कार किया जो मानव जाति का शायद सबसे बड़ा आविष्कार था, जो आज तक किसी को नहीं मिला था और जनता को शायद इस बारे में बताया भी नहीं जाएगा। असल में एब और एरन दोनों ही काफी अच्छे इंजीनियर्स थे, पर दोनों को ही सही गलत की पहचान नहीं थी, और शायद इसी वजह से दोनों कभी सही गलत के बीच के फासले को समझ ही नहीं पाए। इंसानों के सबसे बड़े आविष्कार के हाथ लगने के बावजूद भी वो उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे, और आखिरकार इस आविष्कार के चलते दोनों के बीच का रिश्ता भी खराब हो गया। तो अगर तुम्हारे हाथ एक टाइम मशीन लग जाए तो उसका इस्तेमाल किस तरह करोगे कमेंट्स में जरूर बताना।